नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कृषि की कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, यानी इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो एग्रीकल्चर के, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्रांतियों पर। सबसे पहले हम जानेंगे हरित क्रांति, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हरित क्रांति शब्द है, इसको विलियम एस गॉड ने दिया है। जो हरित क्रांति शब्द है, इसको विलियम एस गॉड ने दिया है। और हरित क्रांति में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, और अगर हम हरित क्रांति के पिता की बात करें, तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, जिसका कि पूरा नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, इनका नाम है। और अगर हम भारत में बात करें, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो एम एस स्वामीनाथन हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी हैं। हम आगे बढ़ें तो हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति हमारे देश में सन 1966 और 67 में आई। उस समय हमारे देश में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, हरित क्रांति का जो संबंध है वो मुख्य रूप से गेहूं और चावल से है, जो कि पूरे देश में आई थी, पूरे भारत देश में आई थी। पर इसका अधिकांश क्षेत्र अगर मुख्य रूप से बात करें हैं तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका अधिक प्रभाव था। ठीक है, और हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति में विशेष योगदान जिन्होंने दिया था वो थे वी सुब्रमण्यम। इन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे क्या है, अगली क्रांति है पीली क्रांति, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं येलो रेवोल्यूशन। इसमें क्या है, इसमें तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है, उसको बढ़ावा मिला है। तिलहनों में अगर मुख्य रूप से देखें तो सरसों और सूरजमुखी मुख्य रूप से ये फसलें थी। और अगर हम फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन कहें या फिर पीली क्रांति के पिता, तो वो हैं सैम पिट्रोदा। ठीक है, ये फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन है। अगली क्रांति क्या है, अगली क्रांति है सफ़ेद क्रांति या फिर वाइट रेवोल्यूशन। सफ़ेद क्रांति या फिर वाइट रेवोल्यूशन, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसमें क्या है, दुग्ध उत्पाद में वृद्धि से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के पिता या फिर फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन ये कौन थे, ये क्या है, ये हमारे देश के NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पहले चेयरमैन भी थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में जो ऑपरेशन फ्लड या फिर सफ़ेद क्रांति या फिर श्वेत क्रांति या फिर वाइट रेवोल्यूशन, वो तीन चरणों में चला, जो कि 1970 से लेकर 1996 तक चला है। दोस्तों, 1970 से पहले हमारे देश में दुग्ध उत्पादन बहुत कम था, हमें दुग्ध अमेरिका जैसे देशों से मंगाना पड़ता था। उस समय डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की 1970 में, और 1970 से लेके 1996 तक तीन चरणों में यह ऑपरेशन फ्लड चला। और 1996 में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर वन बन गया, दुग्ध उत्पादन में नंबर वन। दोस्तों एक बात और, दोस्तों नंबर वन बनने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नंबर वन तो बन सकते हैं, लेकिन क्या है, नंबर वन पर बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। और हमारा देश आज 27 साल से नंबर वन पर ही है,
हमारे देश को नंबर 1 बनने में 26 साल लग गए और पिछले 27 सालों से हमारा देश आज भी नंबर 1 पर ही है, बना हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें इस समय, तो इस समय हमारे देश की जो दुग्ध उपलब्धता है वह 427 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगली क्रांति क्या है? अगली क्रांति है नीली क्रांति, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। नीली क्रांति या फिर ब्लू रेवोल्यूशन में क्या होता है? मछली व समुद्री उत्पाद में वृद्धि। इसका मतलब क्या है? जो मछली होती है और जो समुद्री उत्पाद होते हैं उसमें वृद्धि से संबंधित यह क्रांति है। भारत में नीली क्रांति या फिर ब्लू रेवोल्यूशन के जो पिता हैं डॉक्टर अरुण कृष्णा हैं, डॉक्टर अरुण कृष्णा जी हैं, ये हैं ब्लू रेवोल्यूशन के पिता या फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। दोस्तों अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति, जिसको कि पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों गुलाबी क्रांति या फिर पिंक रेवोल्यूशन, इसमें क्या होता है? इसमें झींगा या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉन, और प्याज यानी ओनियन, और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब झींगा क्या होता है? झींगा एक प्रकार का जलीय जीव होता है जो कि ब्रैकिश वाटर में रहता है, ठीक है, और प्याज तो आप लोग जानते ही होंगे, और फार्मास्यूटिकल्स इन सब में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिसको कि पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं। अगला क्रांति क्या है? अगला है ग्रे रेवोल्यूशन या फिर धूसर क्रांति, इसको हम कहते हैं ग्रे रेवोल्यूशन। इसमें क्या होता है? जो उर्वरक हमारे हैं फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं, उसके उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी जो ग्रे रेवोल्यूशन है यह फर्टिलाइजर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगली क्रांति क्या है? अगली क्रांति है भूरी क्रांति या फिर ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी या फिर ब्राउन रेवोल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें लेदर होते हैं और कोकोवा, लेदर और कोकोवा के उत्पादन से संबंधित है ये ब्राउन रेवोल्यूशन। और अगली क्रांति क्या है? अगली क्रांति है रजत क्रांति या फिर सिल्वरी रेवोल्यूशन या फिर सिल्वर रेवोल्यूशन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें अंडा या फिर पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि से है, यानी जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो अंडा और पोल्ट्री या फिर अंडा या पोल्ट्री से संबंधित है। और अगली बात करें हम तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। दोस्तों सिल्वर रेवोल्यूशन और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा और पोल्ट्री से है, और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो कपास यानी काटन उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अगली क्रांति क्या है? ब्लैक रेवोल्यूशन या फिर काली क्रांति। ब्लैक रेवोल्यूशन क्या है? बायोडीजल या फिर जैव ईंधन या फिर जट्रोफा उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है ब्लैक रेवोल्यूशन। अगली क्रांति कौन सी है? लाल क्रांति या फिर रेड रेवोल्यूशन। इसमें क्या होता है? मांस व टमाटर, देखो मांस भी लाल होता है और टमाटर भी लाल होता है। टमाटर लाल होता है लाइकोपीन के कारण, तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस और टमाटर से है। अगली क्रांति क्या है? अगली क्रांति है गोल क्रांति या फिर राउंड रेवोल्यूशन। जो गोल क्रांति है उससे वह संबंधित है आलू से, क्योंकि आलू भी गोल होता है, इसलिए क्या है गोल क्रांति आलू से संबंधित है। अगली क्रांति कौन सी है? सुनहरी क्रांति या फिर इसको बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है, यह संबंधित है फल उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, सुनहरी क्रांति या फिर गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वह संबंधित है फल उत्पादन से। दोस्तों अगली क्रांति की बात करें, जिसे आपने देखा गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है फल उत्पादन से, जबकि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है जूट उत्पादन से। ठीक है, अभी हमने देखा था सिल्वर रेवोल्यूशन, वो था अंडा या पोल्ट्री से। सिल्वर फाइबर हमने देखा, वो था कपास से। उसके बाद हमने देखा गोल्डन रेवोल्यूशन, वो था फल उत्पादन से, और गोल्डन फाइबर किससे है? यह है जूट उत्पादन से। अगली क्रांति कौन सी है? ऑरेंज रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन मतलब इसमें क्या है? नींबू वर्गीय फलों से संबंधित है। एक जो ऑरेंज होते हैं वह नींबू वर्गीय फल होते हैं, तो यह नींबू वर्गीय फलों से संबंधित रेवोल्यूशन है। अगली क्रांति कौन सी है? अगली क्रांति है परभनी क्रांति या फिर परभनी रेवोल्यूशन।
इसमें क्या है, यह भिंडी उत्पादन से संबंधित है। जो परभनी रेवोल्यूशन है यह भिंडी उत्पादन से संबंधित है। अगली क्रांति कौन सी है, अगली है इंद्रधनुषी क्रांति या फिर रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन है ये। रेनबो रेवोल्यूशन क्या है, कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि। जब कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन होता है तो उस वह होता है रेनबो रेवोल्यूशन। अगली क्रांति कौन सी है, अगली क्रांति है स्वीट रेवोल्यूशन या फिर मीठी क्रांति। अब देखते होंगे आप लोग, शहद जो होता है वो मीठा होता है यानी हनी, यानी स्वीट रेवोल्यूशन क्या है, हनी प्रोडक्शन से संबंधित है। दोस्तों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा यह सभी क्रांतियाँ। अगर समझ में ना आई हो तो आप लोग वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में ना आता हो तो आप लोग कमेंट करिए, उसका जवाब हम देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो देख पाए और उन्हें जानकारी मिल पाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो मिस्टर एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और दोस्तों आपको किस टॉपिक पर कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।